बल्कि हमारे चहीते सभी शार्क्स भी। वेलकम टू फिनाले ऑफ सीजन 2 शार्क टैंक इंडिया। पैरालिसिस पेशेंट, पार्किंसंस पेशेंट, उनके लिए सहायता, उनके डेफिकेशन प्रोसेस को मच इजियर, हेल्थियर, हाइजीन और डिग्निटी के साथ करने के लिए मदद करता है। वेरी स्मार्ट थिंकिंग। एज एन एक्टर मेरा हमेशा से सपना था कि मैं बर्फीले पहाड़ों में साड़ी पहन के अपनी लंबी जुल्फे यूं झटकाऊं। पर मेरे बाल कभी लंबे होते ही नहीं थे, तो मैंने बनाया एक ऐसा हेयर टॉपर। ओह माय गॉड, वाओ, नो वे, वाओ। चाहे पेपर यूज कर लो, बॉटल यूज कर लो, जब तक इससे ना दो सैटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। मॉडर्न फैशन किसी कम्युनिटी को कैटर नहीं करता, मॉडर्न पहन सकता। आपने मांगा है 10% 1 करोड़ को, मैं कोई नेगोशिएट नहीं करना चाहता, 1 करोड़ 10% को। इज इट अ डील? आप में से कौन कौन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ बिल्ड करना चाहते हैं शुगर, यंग इंडिया की फेवरेट ब्यूटी ब्रांड? शार्क्स, जिंदगी कितनी मैजिकल होती है ना, और हर चैलेंज एक मौका कुछ कर दिखाने का। और ऐसे ही जब सिर्फ 15 साल की उम्र में हाथ में 300 रुपए लेकर मैं अपने घर से बाहर निकली, तो मेरी आंखों के सामने था सिर्फ अंधेरा। ना ये पता था कि कहां जाना है या क्या करना है, मगर जिंदगी जहाँ मैंने देखा कि कैसे एक ज्वेलरी का पीस आपके पूरे लुक को उभार देता है, जब मैंने इसमें ज्वेलरी बहुत ही स्क्रैटर्ड तरीके से दिखाई, लग्जरी डिजाइनर ज्वेलरी, इमिटेशन, लो स्टैंडर्ड एंड लो क्वालिटी ज्वेलरी, ऐसा ब्रांड हो जहां पर हाई क्वालिटी, हाई डिजाइन और ट्रेंड सेटिंग प्रोडक्ट्स हो, और ये सारे एक ही क्लिक पे अवेलेबल हो। और ऐसे ही शुरुआत हुई रुबांस एक्सेसरीज की, और आज हम इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग ज्वेलरी ब्रांड हैं। हाय एवरीवन, दिस इज चीनू काला, फाउंडर रुबांस एक्सेसरीज। एंड हाय एवरीवन, आई एम अमित काला। We are from the Garden City, Bangalore. Rubans की शुरुआत हमने 2014 में की with just an investment of 3 lakh. आज we are so happy to say कि हम 25 लाख से ज्यादा customers को serve कर चुके हैं। Wow. Sharks, हमारा अपना vision है कि हम Rubans को India का सबसे बड़ा fashion jewelry brand बनाएं। So इसके लिए हम आपसे चाहते हैं 1.5 crores in exchange for 0.5% equity. What? साथ में पानी वानी लाओ पीने के लिए कि नहीं? I think we met once at in an event in Bangalore, right? Yes. You were also there. Yeah, I was there, and मैं actually तीनू की story जो पापा से लड़ाई करके घर से जाके उन्होंने अपनी जिंदगी खुद से बनाई, वो स्टोरी मैंने एक्चुअली जोश टॉक्स पे सुनी थी एंड मैं बहुत प्रभावित हुई थी। तो मेरे लिए अभी काफी सेरेंडिपिटस है कि यू नो तीसरी चौथी बार मैं आपकी स्टोरी से इंस्पायर हुई हूँ। चीनू और अमित, आपकी स्टोरी की बात चल रही है तो आप बताइए क्या है आपकी स्टोरी। मैं सिर्फ 15 साल की थी, काफी डिफरेंसेस थे मेरे अपने फादर से, तो एक बार बस डैड ने कहा कि घर छोड़ के चले जाओ, मैंने बैग उठाया, बैग में एक सलवार कमीज था, 300 रुपए थे, और ये लेके मैं निकल गई। क्यों छोड़ दिया भाई घर? मेरी मॉम सऊदी अरेबिया रहती थी। अच्छा। और मैं अपनी स्टेप मॉम के साथ रहती थी, तो घर में काफी इश्यूज होते थे। एक बार इतना बड़ा हो गया कि डैड ने बोला बस अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो
मैं नालासोपारा से ट्रेन पकड़ के विदाउट टिकट सेंट्रल रेलवे स्टेशन चली गई और वहाँ पर दो दिन मैं रही रेलवे स्टेशन पर। यहाँ बॉम्बे में? बॉम्बे में। मेरे पास ना 300 रुपए थे और मैंने, मुझे याद है मैंने जाके वड़ा पाव खरीदा और जब उससे मैंने पैसे दिए 5 रुपए तो मैंने एक कैलकुलेशन करने लगी कि कितने दिन मैं खाना खा पाऊंगी और कितने दिन ये 300 रुपए चलेंगे। तो मुझे उस एज में ये रियलाइज हो गया था कि अब मुझे काम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी, अब जॉब भी कोई कैसे दे, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपकी मॉम वो काम कर रही थी सऊदी अरेबिया में? Yes. तो वो आपको फाइनेंस नहीं कर पाती थी वो टाइम पे जब आपकी मतलब इतनी स्ट्रगल चल रही थी? जस्ट फॉर क्लैरिटी, वो सऊदी अरेबिया तब गई थी जब मैं 1 साल की थी, 1 महीने के लिए इंडिया आती थी छुट्टियों पर। पर आप टच में नहीं थी? मतलब पड़ोसी के घर में कहीं दूर फोन था जहाँ पर हफ्ते में एक बार फोन आता था। बहुत लोगों से वहाँ पे स्टेशन पे बात करी और एक लेडी ने मुझे डोर टू डोर सेल्स के बारे में बताया और उसने मुझे ये भी बोला कि यहाँ पर सैलरी नहीं होती है, सिर्फ कमीशन मिलता है, हर पीस जो आप बेचोगे उस पे कमीशन मिलेगा। पहले दिन जब मैं वो बैग उठाकर एक बिल्डिंग में गई और जाके पहली डोर बेल बजाई, दैट लेडी उसने ओपन किया डोर, उसने मेरे हाथ में वो इतना हैवी एक बड़ा सा झोला था जिसमें फिनाइल थी और नाइफ वगैरह बहुत कुछ था, उसने जस्ट स्लैम कर दिया मेरे फेस पे डोर और बस बोला जाओ यहाँ से। और मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं हुआ था, लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी उस समय। आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब मैं 3 घंटे उस बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर रोई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कहाँ जाना है। और कहाँ रह रही थी आप उस वक्त? तब मैंने उधर ही मुझे पता चला था कि एक डॉर्मेट्री है और डॉर्मेट्री में आपको 25 रुपए दिन के देने होते हैं, तो आपको सिर्फ मैट्रेस और एक मटका देते हैं पानी के लिए। वहाँ मैं 25 लोगों के साथ वो डॉर्मेट्री शेयर कर रही थी। उस समय जब मैं रो रही थी फिर मुझे लगा अब अगर रो के हार मान ली तो घर जाना पड़ेगा, वो तो करना नहीं था। तो मैंने कहा आज तो कुछ भी हो जाए सेल करके ही जाना है। रोते हुए जाकर 1, 2, 3 पता नहीं कितनी डोर बेल्स बजाई, उस दिन मैंने 3 पीस बेचे। मुझे 20 रुपीस मिलते थे एक पीस पे, मैंने 60 रुपीस कमाए। ऐसे ही सिर्फ 6 से 7 महीने में उधर उन्होंने मेरे अंडर में 3 लड़कियां रख दी। तो ये मैं 16 साल की उम्र में कर रही थी, बस यहाँ से शुरू किया, 1 साल तक मैं यही करती रही। वहाँ से मुझे पता चला कि सूरत में एक जॉब अपॉर्चुनिटी थी येलो पेजेस के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, तो वो जॉब के लिए मैं बस एक बैग उठाया और सूरत चली गई। Crazy. तो अब मैं डोर टू डोर से शॉप टू शॉप जा रही थी। उसके बाद मुझे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जॉब मिली टाटा इंडिकॉम के फ्रेंचाइजी पर और वहीं पर मैं अमित से भी मिली। हमने शादी की। Just quickly, ये कौन से साल की बात है? We got married in 2004. अच्छा जी। Then ये 2002 की बात है। शादी के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैंने फिर एक ब्यूटीशियन का कोर्स किया, तो घर पे सलून चला रही थी। उसके साथ मैंने सोचा भारत इन डॉलर्स बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट है, वहाँ से एक कोर्स करती हूँ तो अपग्रेड हो जाएगा। तो मैं बॉम्बे आई, वहाँ पर पहली बार थोड़ा ग्लैमर देखा लाइफ में और किसी ने मुझे बोला कि आप इतनी सुंदर हो तो आप मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती हो? तो मैंने कहा अच्छा ये भी कुछ होता है, बिकॉज उससे पहले तो पता नहीं था। मैंने फॉर्म भर दिया, सिलेक्ट हो गई एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आई वाज अ पार्ट ऑफ टॉप 10। वहीं पर मैंने ज्वेलरी की अहमियत देखी थी, वहीं से ये कहानी शुरू हुई थी। उसके बाद 2014 में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक ज्वेलरी का ब्रांड शुरू करूं। तो इतने साल की लर्निंग को साथ में एक लव फॉर फैशन जो था मेरा, वो दोनों कंबाइन करके मैंने रुबांस एक्सेसरी शुरू की। आपने पढ़ाई पूरी करने का मौका मिला आपको इस पूरे दौरान? कभी नहीं। आपने किस क्लास में छोड़ा था ये? 7। आपने तो सबसे बड़ी पढ़ाई कर ली जो रियल पढ़ाई होती ग्राउंड की।
can teach many other students a lot of things. Thank you. I was invited at IIM Ahmedabad just 2 months pehle. Wow. Aur wahan pe main students ko life ke lessons dikha rahi. There you go. फर्क बहुत है आपके और हमारे तालीम में. हमने उस्तादों से सीखा, आपने हालातों से. अरे वाह, क्या बात. और अमित जी, वो टाइम आप क्या कर रहे थे जरा? मैं स्टार स्पोर्ट्स एंड ESPN के लिए 2007 से 2011 तक काम कर रहा था. क्या काम करते थे आप? डिस्ट्रीब्यूशन देखता था मैं. अच्छा जी. एंड देन 2011 से 2020 तक मैंने वायरकॉम नेटवर्क 18 के लिए काम किया. अंडरस्टूड. और 2020 में आपने अपनी जॉब छोड़ के रूबंस फुल टाइम जॉइन किया है हमें. Yes. अच्छा. आपके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, व्हाट इज सो डिफरेंट एंड यूनिक? बेला बस सरताज लगोगे पहन के दिखाओ. वाओ, आई लाइक यू टू ट्राई दिस, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट. ओह वाओ, इट लुक्स अमेजिंग. Oh my God! I love it. These are like, you know, J-Lo earrings. Yes. इसका price क्या होगा? This will be for 8,000. And this will also be same. नहीं नहीं. ये 2,200. Right. ये वाला 650. क्या आप इंडिया में बनाते हैं? हाँ जी. हाँ. कहाँ पे इंडिया में कहाँ बनाते हैं? मेजर हब्स हैं कलकत्ता, कलकत्ता के गांव, थोड़ा दिल्ली में है, बॉम्बे है, एंड राजस्थान इज वेरी बिग. डिजाइन्स आपके हैं या रेडीमेड अवेलेबल होते हैं? आप क्यूरेट करते हैं, चूज करते हैं उनको? So, 80% डिजाइन हमारे हैं, 20% yes, हम क्यूरेशन करते हैं. तो वो डिजाइनर्स हैं आपकी टीम में? Yes. मैं जयपुर से आता हूँ और वहाँ पर मैंने बहुत सारी दुकानें देखी है जिसपे ये माल मिलता है. बिल्कुल. इनकी जो प्राइस है वर्सेस अगर मैं लोकल शॉप पे जाके सिमिलर आइटम खरीदता हूँ, उसमें कितना डिफरेंस है? जो आप कॉमन शॉप्स में देखेंगे वो 10 शॉप पे अवेलेबल होगा, बट अगर आप मुझे बोलते हैं कि सेम डिजाइन कहीं पर अगर किसी ने मेरा कॉपी किया है तो वो 20-25% हम उससे महंगे ही होंगे. समझ गया. सेकंड क्वेश्चन, इसका मार्केट साइज क्या है? कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये फैशन ज्वेलरी की? एज ऑफ लास्ट ईयर करीब 26,000 करोड़ की थी, बाय 2027 आई थिंक हम देख रहे हैं करीब 45,000 करोड़ की इंडस्ट्री. एंड मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड. 88% unorganized. Wow. क्योंकि 12% शेयर सिर्फ organized या brands के पास है. मैंने जितना देखा है, हम खेल रहे हैं डिजाइन पे और प्राइसिंग पे, ये दो चीजों पे खेल रहे हैं, पर ब्रांड के लिए आप क्या कर रहे हैं? मतलब कैसे बनेगा ये ब्रांड बड़ा? कुछ नंबर्स देना चाहूंगी मैं आपको. हमारी अब 30% रिपीट रेट है, सो कस्टमर्स लाइक आर ब्रांड, दे लाइक आर डिजाइन, जो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है D2C के लिए. और हम बूटस्ट्रैप कंपनी है और बहुत ही लीन टीम है, तो उस पर हम कभी फोकस ही नहीं कर पाए, बट हमने ब्रांड क्रिएट किया है टू अ सर्टेन एक्सटेंट. मिंत्रा में ही 40% कस्टमर्स हमारा नाम सर्च करके हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं. आपकी कितनी सर्चेस होती हैं पर डे, कुछ अंदाजा दीजिए? 38,000 सर्चेस होती हैं, 18,000 ऑर्डर्स आते हैं पर मंथ. कंज्यूमर रेटिंग क्या आते हैं आपकी? Anything between 4.5 to 4.8. अच्छी रेटिंग है आपकी. सर, हम बेस्ट परफॉर्मर हैं. हमें ये कंफर्म कर रहा हूँ. तो हम पिछले 3 साल से मिंत्रा के हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड हैं. सेल्स बताइए. सो हमारी लाइफ टाइम सेल्स अराउंड 200 करोड़ की हैं. वाओ. FY21 में हमने नेट 29.7 क्रॉस किया. 22 में हमने 51 क्रॉस पे क्लोज किया है. वेल डन. And this year we should be closing at 65 crores. और इसमें profit कितना था आपका 51 में और 65? 51 में हमारा EBITDA margin उस समय 8% था. हमारी net sale 36 करोड़ की थी. तो आपने फिर 2.5 करोड़ कमाए, 2.5-3 करोड़. और अभी इस साल net revenue कितना होगा? इस साल net revenue हम around 44 से 45 crores करेंगे. और कितना profit कमाएंगे आप? 15% का EBITDA. Well done. मेन ज्वेलरी बिजनेस कहाँ चलता है, कहाँ पे बिकता है? मिंत्रा. कितना परसेंटेज आपका? हमारा अराउंड 75% बिजनेस मिंत्रा से आता है. ओह दैट्स ह्यूज. D2C हमने आज से 6 महीने पहले शुरू किया है. इस साल में हम करीब 8 करोड़ कर लेंगे अपने D2C. When you said D2C, आप कैसे, क्या परिभाषा है आपकी D2C की? हम अपनी वेबसाइट. ठीक है, उसमें आप अभी 6 महीने हुए. एक ही प्लेटफॉर्म से 75% शेयर इज लाइक गिविंग द पावर टू दैट प्लेटफॉर्म, राइट? हमारे प्रोडक्ट्स के ASP जो हैं वो मार्केट से थोड़े ज्यादा हैं, बिकॉज किसी भी ऑनलाइन
सबका 80 से 300 रुपए है। हमारा एएसपी है 800 रुपए, आपने बोला एएसपी, ये डिस्काउंट के बाद है। या हाँ, और ग्रॉस मार्जिन कितना होता है उस पे? 70%। आप लोग का जो इक्विटी का कैप टेबल है वो कैसा दिखता है, दोनों के बीच में क्या स्प्लिट है इक्विटी शेयर्स का? So, अभी तक तो वो मेरा ही चेक साइन करती हैं सैलरी का। She owns 81%, she and her mother own 81%. बाकी उन किसके पास है उनमें? So, मिंत्रा का एक्सेलरेटर प्रोग्राम का भी पार्ट है। हाँ जी। So, उसमें हमने 2018 में 19% वहां दिया। आपका अपनी वेबसाइट पे कैक क्या है? 356 रुपीस। और आज तक आपने फंड रेज नहीं किया? नहीं, फंड नहीं रेज किया। अभी फिलहाल टीम में आप दोनों हैं, राइट? जी। और कौन है टीम में? एट अ बिगर लेवल तो हम दोनों ही हैं, और कोई नहीं। पर आपके पास पैसे की तो कमी नहीं है, आपने 2.5 करोड़ का एबिटा बनाया, अभी आप 5-6 करोड़ का बना रहे हैं, तो आपने एक सॉलिड जबरदस्त टीम क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? नो पीयूष, आई थिंक जो जर्नी हमारी 0 to 1 की है वो एक लेवल तक हमने चली है। आई थिंक 1 to 10 और 10 to 100 की जर्नी थोड़ी डिफरेंट है। हमारा एक रीजन यहाँ पर आने का ये भी था कि आपके एक्सपीरियंस से अगर हम एक गलती कम करेंगे ना आगे लाइफ में, आई थिंक वर्थ। मुझे ये लगता है कि अपने को अगर इस कंपनी को थोड़ा बेटर मार्जिन प्रोफाइल में ले जाना पड़ेगा, तो अपने एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऊपर खींचनी पड़ेगी। तो इसके अंदर आपका कोई व्यू पॉइंट है कि आपके जो 800 रुपए का ऑर्डर वैल्यू आता है उसको ऊपर ले जाने का स्कोप है या नहीं? हमने इसी को एड्रेस करने के लिए अपनी वेबसाइट पे हमारा एएसपी है 1700 रुपए का। ये एक प्रोडक्ट की वैल्यू है या फिर एक ऑर्डर की वैल्यू है? नहीं नहीं, एवरेज सेलिंग प्राइस। 2-3 प्रोडक्ट लगते हैं उसमें, एक प्रोडक्ट लगता है? नो, सो हमारा एवरेज बास्केट साइज इज 1.1। गॉट इट। सेकंड, मुझे लगता है कि आपकी जो टीम में एक चीज का मिसिंग लिंक है, वो आपको एक टेक मार्केटिंग टाइप का को-फाउंडर चाहिए होगा। क्या आप ओपन होंगे एक को-फाउंडर लाने के लिए? सारी केमिस्ट्री खराब हो जाएगी। दो अच्छे खासे आप यहाँ तक ले आए हो धंधा। बहुत बड़े बड़े D2C ब्रांड्स बन गए विदाउट टेक। को-फाउंडर नहीं सोच रहे हैं, बट अगर हमें टीम खड़ी करनी है तो वो तो को-फाउंडर के बगैर भी हो सकती है। वेल डन, वेल सेड। अभी ओपन नहीं रहेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि आपका बिजनेस आपने अच्छा बनाया है। मैं इस समय बाहर होना चाहूंगा आपके इस ऑफर से। तो प्राइमरी रीजन है कि मेरे को लगता है कि टेक और प्रोडक्ट का जो आपका और डिजिटल मार्केटिंग का जो आपका इंपॉर्टेंस आप दे रहे हो और को-फाउंडर लाने के लिए ओपननेस नहीं, मेरे को लगता है स्केल अप वहीं से आना है। और मुझे लगा कि वहां पर आप लोग का प्रोडक्ट अच्छा है, एक चीज एक पिलर मिसिंग है और उसके लिए ओपननेस कम लगी मेरे को, इसलिए आज मैं बाहर जाना चाहूंगा। आई थिंक चीनू, जो आपने ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप ने रिफ्लेक्ट की है फॉर श्योर, बिकॉज़ एंटरप्रेन्योर इज ऑल अबाउट द पर्सीवेरेंस। आई थिंक जिस स्टेज पे अभी आपका बिजनेस आ गया है ना, यहाँ से जर्नी एक अलग जर्नी है। अभी आपको जरूरत है ज्यादा टीम स्ट्रक्चर बनाने की और इसको आगे कैसे ले जाने की, एंड आई थिंक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं अभी इससे बाहर होना चाहूंगा, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। चीनू, पिछले 12 महीने में मैंने आपको शायद कई बार आपका स्टोरी के बारे में सोचा होगा, क्योंकि जब भी लाइक टफ डेज होते हैं ना, तो मैं याद करती हूँ कि मैं ट्रेन के स्टेशन पे सोई नहीं हूँ, मेरे मुंह पे दरवाजा किसी ने स्लैम नहीं किया है, बड़ा पाव खरीदते टाइम मुझे कभी सोचने का नौबत नहीं आई है। तो मैं कितनी लकी एंड कितनी प्रिविलेज हूँ, और मुझे अपनी यू नो प्रॉब्लम्स के बारे में कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए। तो मैं और नमिता आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, 1 crore in equity for 1% of the business and 50 lakhs in debt for 12% interest rate. बहुत पापड़ बेले आपने, हमने भी बेले, भूख समझते हैं, लेकिन जिस तरह के आपने परखा, you have studied from the university of life, मैं आपको 1.5 crore का ऑफर करता हूं जो आपने मांगा, वही वैल्यूएशन पे जो इन्होंने दिया, लेकिन कोई डेट नहीं। मुझे लगता है कि अभी 6-6.5 crore का इबिटा है आपका, आपको लग रहा है वो बहुत ज्यादा है, बट जैसे ग्रोथ में पैसा डालेंगे ना तो बहुत जरूरत नीड पड़ेगी, तो उसमें डेट बांध लेना ये टाइम पे मैं नहीं समझता हूँ इज वाइज। मैं नमिता और विनीता के साथ जुड़ जाता हूँ उस ऑफर में। Dream team, 1 crore for 1% and 0.5 crore at 12%.
भाई आप बिजनेसमैन हो, डेट वेट मत लेना। सो अमन, विनीता, क्या आप लोग अपने ऑफर को जो डेट का पोर्शन है उसको इक्विटी में डाल करके आ सकते हैं? एक चीज में शार्प टैंक पे क्लैरिफाई करना चाहूंगी, ये जो एक भूसा डाला है ना सबके सर में कि डेट इज बैड, प्लीज अंडरस्टैंड डेट इज चीपर देन इक्विटी। नॉट एट दिस स्टेज। नो, एब्सोल्युटली एट एनी स्टेज। मतलब एट दिस स्टेज और भी ज्यादा चीप होता है। अरे यार तुम गलत निकाला। रादर देन काउंटर, टेक द ड्रीम टीम एंड मूव अहेड। और जहाँ इन्वेंट्री का सवाल है ना, डेट से बहुत फायदा है। वो तो बैंक भी दे देगी। बिना मैन्युफैक्चरिंग के नहीं मिलता है। आई थिंक वी विल गो विद द ड्रीम टीम। विल गो विद द डील। व्हाट इज द ड्रीम टीम? 1 करोड़ 1% एंड 50 लाख डेट। गुड गुड फॉर डेट। गुड डिसीजन। थैंक यू सो मच। यू मेड द राइट कॉल अमित। शार्क्स, आजकल पेरेंट्स बच्चों को बहुत छोटी उम्र में मोबाइल फोन दे देते हैं। एक रीजन ये भी है बच्चों को फोन देने का कि वो स्टडीज करें, रिसर्च करें। एक स्टडी बताती है कि बच्चे के पास फोन होता है तो सिर्फ 10-15% टाइम बच्चा फोन स्टडी के लिए यूज करता है, बाकी का टाइम सोशल मीडिया एप्स और मैसेजिंग एप्स पे बिजी रहता है। एग्जैक्टली यहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ी सी चिंता लगी रहती है कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, 12-13 साल का है, स्कूल जाता है, उसके फोन में क्या मैसेज आता होगा? ये सब जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और मोबाइल फोन का भी दूसरा पहलू है, डार्क साइड। बट ये पॉसिबल नहीं है कि वो डार्क साइड से बचाने के लिए बच्चे के कंधे पे बैठ जाओ बेताल बन के। ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे के फोन में आने वाला हर एक मैसेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है वो तुरंत पेरेंट्स को पहुंचे विदाउट एनी डिले इन रियल टाइम। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम इलेश शर्मा है और मैं अहमदाबाद से हूं। सेम नोटिफिकेशन एक ऐसा ऐप है जो एक फोन में आने वाला हर एक नोटिफिकेशन दूसरे फोन में तुरंत भेज सकता है, वो भी सब डिटेल्स के साथ कि किसने मैसेज किया, क्या मैसेज किया, कितने बजे मैसेज किया। ये टेलीकास्ट मत होने दियो। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ सब। यहाँ पे देखो पसीने किसको आ रहे हैं। ये एक मात्र एप्लीकेशन है जो ये काम करता है और प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। मेरा विजन है कि इस एप्लीकेशन को नोटिफिकेशन शेयरिंग में बेंचमार्क बनाऊं। तो शार्क, मेरा आस्क है 25 लाख रुपए फॉर 15% इक्विटी। तो वेट किस बात का कर रहे हो? अपने बच्चे और लव्ड वंस का आप करिए प्रोटेक्शन विद द ऐप सेम नोटिफिकेशन। थैंक यू भाई। तुम कुछ भी कर रहे हो, इतने कम पैसे मांग लिए, इतना ज्यादा दे दिया, ओनरशिप ले ले भाई। आज तक नहीं हुआ शार्क टैंक में। जो चीज ले ले। मुझे तो एक ही चीज पूछनी है, आपकी शादी हो गई है? Yes, I'm love married. कितने साल हो गए शादी? 5 साल हो गए, 5 साल उससे पहले मैं रिलेशन में था। ये बच्चे के लिए ठीक है, but the yes. same logic, yes. आप दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हैं ना? सबके लिए यूज होगा। शादियां टूट जाएगी, वो हम बैठे हैं। ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको ये ऐप खोलना पड़ा? मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। प्रोफेशनल लाइफ में मैं बात करूं तो मैं 2013 में ही जॉब ज्वाइन कर लिया था और मैं सर्टिफिकेशन एग्जीक्यूटिव था। जो लोन नहीं भरते उसकी गाड़ी उठा के ले जाते हैं। कार देखो मैं मैंने कार देखो 2019 में ज्वाइन किया था। अरे क्या बात है, क्या बात है। इनके बारे में कार देखो में क्या बोलते थे लोग? सर, कार देखो में इनके लिए बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि वेबिनार बार बार कर में ज्ञान ज्यादा मिले, क्योंकि वेबिनार में ना इनका लास्ट में वो पंच, आहू, तो अग्रेशन। यस,
अपन साथ करते हैं यार, तुम्हारा चेहरा एकदम वॉरियर जैसे। तो ऐसा होता था ना, गुड। और फिर कार देखो मैं कब तक किया, मैं क्या किया? मैंने इसलिए छोड़ दिया आपने कि थोड़ा सा ये हाँ हू करके। अरे नहीं सर, मैंने 2013 में जॉब ज्वाइन किया, तो मैं बहुत ऐसे होता था कि मैं काम तो कर रहा हूँ पर मैं खुद के लिए भी कुछ काम कर लूँ। तो 51,000 का मैंने खर्चा किया और रोड साइड फूड स्टॉल चालू कर लिया मोमोज का। 2019 में मैंने एक छोटा सा आउटलेट किया मोमोज का ही। आज दोनों चल रहे हैं, प्रॉफिटेबल है और ऑटो मोड पे चल रहे हैं। 2019 में मैंने कार देखो ज्वाइन किया एज अ बिजनेस मैनेजर। उस ड्यूरेशन में मैं ऐप की दुनिया में आ चुका था, ऐप की दुनिया क्योंकि मेरे लिए ऑटोमोबाइल था, कोडिंग मेरे लिए पूरी नई दुनिया थी। और एक चांस कह लो या डेस्टिनी कह लो, एक ऐप था जो 10 मिलियन डाउनलोड पे था, बहुत ही बेसिक ऐप था, पैसा कमा रहा था वो, मुझे पता चल गया था। तो मैंने उसको मेल कर दिया कि क्या बना रहा है भाई, उसका मुझे रिप्लाई आया, तो इंडिया से है ना, इंडिया में लोग टेक में अच्छे होते हैं, तो तू बना ऐप, मैं तुझे पैसा दूंगा। तो मैंने उसके साथ मिलकर ऐप बनाना चालू किया, 3-4 ऐप्स बनाए। तो ये आप कार देखो छोड़ने के बाद? नहीं नहीं सर, साथ में ही चल रहा है कार देखो के साथ में। यस यस, बढ़िया, ऐसे ही सुबह ये शाम को ये। आप जानते थे इन्हें कार देखो में? नहीं, मैं नहीं जानता था। इन्होंने मेरी टाउन हॉल अटेंड करी होगी जरूर से। और हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत प्रमोट करते हैं कंपनी भी। एक बात है, सॉरी सर डिस्टर्ब, गुड लाइफ बियॉन्ड वर्क अपना चलता है, उसमें मैं लिंक्डइन पेज पे मेंशन किया था इन हाउस एफ विजार्ड अपने कार देखो में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे रिकॉग्निशन मिला था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, तो अब आपने कार देखो कब छोड़ा? 10 दिन पहले। आपको पता था कि मैं शार्क हूँ शार्क टैंक में? सर पता चला ना तो मैं डर गया कि सर सामने बैठेंगे इस बार। और कार देखो से सैलरी कितना मिल रहा था आपको? 35,000। और ये मोमो स्टॉल से कितना कमाते हो आप महीने का? नेट प्रॉफिट 70,000, 67,000। और ये ऐप से? ऐप से अबाउट 90,000 टू 1 लाख। क्या बात है भाई, एंटरप्राइजिंग महान है, मतलब बहुत ही एंटरप्राइजिंग हो आप। आप पैसा कैसे कमाते हैं ऐप से? दो ही चीज, पेड ऐप और इन ऐप एड्स। तो अभी आप जो फंडिंग लेने आए हो, इस कंपनी में लेने आए हो या मोमोज में लेने आए हो, कार देखो में लेने आए हो या इन सब में लेने आए हो? सिर्फ ये एक ऐप, इसी ऐप पे। यस, क्या ऐप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्राइवेसी यू नो लॉ आप ब्रेक करेंगे या ऐसे कुछ? ये ऐप को मैंने पब्लिश किया, गूगल ने एक ही बार में उड़ा दिया। उन्होंने प्राइवेसी लॉ में दो ही चीज मांगी थी, एक तो आपको कंसेंट लेना है ऐप में, आपको एक बार पूछना है कि आपके नोटिफिकेशन जा रही, मुझे पता है, वो ओके करोगे तो ही ऐप का। और दूसरा मैं मेरे पास रखूंगा। क्यों? अगर ऐसा होगा तो सबको पता चल जाएगा, सब बना देंगे। डेमो दिखा दीजिए। पेरेंट और चाइल्ड के ही पॉइंट ऑफ व्यू से अपन समझते हैं, 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट इज शेयर योर नोटिफिकेशन, जिससे मैं अपने नोटिफिकेशन पार्टनर डिवाइस गेट पार्टनर नोटिफिकेशन, जिससे पार्टनर डिवाइस के नोटिफिकेशन अपने पास ले सकता हूँ, और एक्सचेंज नोटिफिकेशन, ये आएगा कपल्स के काम, जिसमें से मेरे नोटिफिकेशन सामने जाएंगे भी सही और उसके नोटिफिकेशन मेरे पास आएंगे। 6 डिजिट का कोड मिलेगा, वो अपने को पेरेंट के डिवाइस में डालना है एंड पेरिंग इज डन। तो अपन वेट करते हैं कि जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो कितनी जल्दी पेरेंट को मिल जाएगा। हाँ, पेरेंट को तुरंत पता चल गया। अंजलि कह रही मोमोज खाने चले अभी, वहां पे पता चल गया। स्कूल बंक का कह रहे हैं, मतलब तुरंत पता चल जाता है कि बच्चे के डिवाइस में क्या हो रहा है। डिटेल हम और देते हैं कि पार्टनर शेयरिंग ऑल नोटिफिकेशन, पार्टनर के डिवाइस से सारी नोटिफिकेशन आ रही है ये पता चलता है, ये हम साफ बताते हैं। पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी कि आप में हंगर है, बट इन प्रिंसिपल ऐसे ऐप्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फॉर टू reasons. एक इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी होता है, और इम्पॉर्टेंट है इवन इफ इट्स अ चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशनशिप, एंड सेकेंड आई थिंक इसके बहुत मिसयूज।
citizens, I'm out. तो इलेश, आप मुझे तो लग रहा है आप बेताल नहीं, आप महाबेताल हो. ये मतलब बहुत ही weird app है. ऐसा इतना इंट्रूसिव एक ऐप बनाना, आई थिंक ये बंद हो जाए इवेंचुअली. तो ये तो चलाना भी नहीं चाहिए. बट एनी वेज, आप अपनी सैलरी का 8 गुना अपने वेंचर्स के थ्रू कमा रहे हो, तो आप काफी एंड हसलर हो, तो आप कुछ ना कुछ तो कर दोगे. तो बेस्ट ऑफ लक. एक चीज बताओ, आपने जैसे ये ऐप बनाया, अभी ऐप अगर नहीं चला तो आप अपना ऐप बनाते रहोगे कुछ ना कुछ ढूंढना, बट आपको उस संतुष्टि किसमें मिलती है? आपको मतलब एक होता ना कि मेरे को ये चीज करनी है तो मैं खुश होऊंगा. मुझे खुशी मिलती है फाइनेंशियल थोड़ा फ्रीडम हो उसमें, कि मैं एक चीज पे नहीं अटका, अगर वो चीज अटकी तो मेरा घर अटक जाएगा उससे, तो मैं उसके लिए जुगाड़ करता रहता हूँ. जब तक कोई इनकम आपकी बड़ी नहीं हो जाती तब तक ये चीज है. जब कोई एक हो गया ना बड़ा, कि हो गया 5 लाख 7 लाख, देन दैट इज द थिंग, और उसके ऊपर काम करके फिर उसी के पे आगे बढ़ना. यार एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, इलेश आप बहुत बहुत दिलचस्प इंसान. मजा आया आपसे, बड़ा मजा आया आपसे. ये बंदा जरूर बनाएगा धंधा. आप एक संघर्ष के स्टेज पे हो, हमें भी काफी संघर्ष करना पड़ा. 10 चीजें में हाथ पैर मारे तो जाके कुछ पल्ले पड़ा, कुछ लग गया. जैसे कि आपने कहा ना, एक चीज 5-7-10 लाख की हो जाएगी तो उसको पकड़ के चले, लेकिन आज तक वो बात हुई नहीं. तो इस वजह से मैं आज आउट हूं, लेकिन एक बात कहूंगा, इलेश जैसे लोगों के थ्रू इंडिया अब सीखेगा बिजनेस की वैल्यू. इलेश, मेरे सबसे पहले अच्छी चीज क्या लग रही है, एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है और कुछ ना कुछ करने का मन है. कीड़ा तो है. मेरे को कार्ड देखो ग्रुप में भी देख के बड़ा अच्छा लगता है, अपने यहाँ से कार्ड देखो माफिया टाइप की चीज बन रही है. बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बन गए, काफी सारी फंडिंग भी रेज कर चुके हैं, सारे सारे एग्रेसिव भी हैं. सो द एग्रेशन इन यू, तो ये जो आप कर रहे हो ना, ये बहुत छोटा सा पार्ट है. रियल में पेरेंटल नीड्स का विजन देखो, कि उनको क्या कंट्रोल्स मॉनिटर्स चाहिए फॉर अपब्रिंगिंग द चाइल्ड हेल्दी. ये थोड़ा हैकिश प्रोडक्ट है. आप थोड़ा एक प्लेटफॉर्म लेवल पे जाओ, थोड़ा ऊपर हो. अभी ये जिस स्टेज में है वो इन्वेस्टेबल नहीं. आज मैं बाहर होना चाहूंगा, बट कि आप मेरे से पर्सनली कनेक्टेड हो कार्ड देखो ग्रुप से, आपको कभी भी कोई आइडिया ऐसा आ जाए जिसके अंदर पैसा डाल दो, मैं आई विल बी हैप्पी टू डू. मेरे को क्या लगता है ना, आप में सारे ट्रेड्स हैं ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर, और आइडिया तो इन्वेस्टेबल नहीं है, पर आप इन्वेस्टेबल हो. जब आपके पास कोई नॉन लीगली कॉन्ट्रोवर्शियल आइडिया होगा ना, देन आई विल इन्वेस्ट इन यू. अभी मैं बाहर हूँ. फैक्ट्री में R&D की जगह दे दो. जैसे पीयूष ने बोला, मुझे भी आप एज एन एंटरप्रेन्योर बेटरेबल लगते हो. बट दूसरा 50% मैं ढूंढता हूँ एंटरप्रेन्योर, थोड़ा सा देखता हूँ क्या बिजनेस में डाल सकते हैं. वो बात मुझे थोड़ा सा लास्ट पिच बताओ, फिर मैं बताऊंगा इन या आउट. सर ऐसा है कि बड़ी चीज बनानी है, लेकिन वो छोटी चीज को भी बड़ा किया जा सकता है. एंड आई सी दैट स्मॉल थिंग इन दिस, बिकॉज ये रास्ता, ये जंगल अभी खाली है. सॉरी इलेश भाई, मुझे बहुत मन कर रहा था, बट यू नो मैं हमेशा कहता हूँ तू बंदा ग्रेट है, मिला थोड़ा लेट है. आज मैं ये बोलना चाहता हूँ, तू बंदा ग्रेट है, मिला थोड़ा अर्ली है. बहुत मन कर रहा तेरे साथ तेरी जर्नी में जाने के लिए, तो अभी कुछ बना ले, कुछ नया कर. अभी के लिए अनफॉर्चुनेटली मैं आउट होता हूँ, बट सॉरी. कभी मिलेंगे, कंट्रोवर्सी नहीं होगी ऐसी आपके साथ. मैं बात बोलूं, जुगाड़ू जुगाड़ू तरीके से बिजनेस बना, पर जुगाड़ू बिजनेस मत बना. सोचो आपके जो आइडियाज है ना, वो बहुत शॉर्ट टर्म है. आइडिया तो बड़ा सोचो ना. और जरूरी नहीं है कि तू इसके बाद जाएगा तो कार देखो ही जाए. हमारे पास भी आई है. ऑफ कोर्स, जो भी मैं सुन, तू अच्छा कर रहा है और बहुत खाना. Just keep on hustling. It's the right time.
अच्छा वो हुआ करके हम भी करेंगे चल चल तू निराश होने वाला में से नहीं है सर वो बिल्कुल नहीं है चल 1 2 3 2 1 go All right keep rocking thank you It's smelling. What happened? What up, man? जब हम abroad studies या घूमने के लिए जाते हैं, तो कितनी excitement होती है ना? घर की सारी important चीजें pack कर लेते हैं। पर सबसे important चीज तो ले ही नहीं जा सकते। हमारा प्यारा bathroom का jet spray. No. Ish. Totally. I can relate to it. चाहे पेपर यूज कर लो बॉटल यूज कर लो जब तक इससे ना दो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है बिल्कुल सही बात तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए हम विद आवर इनोवेशन बॉटम लाइन स्प्रे हेलो शार्क्स मेरा नाम है आदिल अत्तर वाला मेरा नाम प्रार्थना शाह है और हम अहमदाबाद से हैं तो बॉटम लाइन एक पोर्टेबल जेट स्प्रे है So, वो ऐसे पाउच में आता है और हमारे प्रोडक्ट के साथ दो रीयूजेबल हुक्स हम देते हैं तो सबसे पहले आप जहाँ पे भी जाओ आपके पॉट पे बाजू में आई लेवल या उससे ज्यादा ऊपर यहाँ पे हुक स्टिक कर देना है फिर प्रोडक्ट को अनरोल करना है और उसमें आप नल या बॉटल से पानी भर सकते हो सीरियसली इसकी कैपेसिटी 1.5 लीटर है क्या बात है इसको सिर्फ ऐसे हैंग कर दो क्या वाओ यार वाओ और ये सिर्फ ग्रेविटी से चलता है मतलब आप जितना ऊपर लगाओगे उतना बेटर प्रेशर पाओगे अमेजिंग और इसका ये नोजल है जो बड़ी आसानी से चलता है ये हुआ ऑन एंड दिस इज ऑफ विनीता का कुछ हादसा हुआ है शायद इसको लेके तो मिल गया ना शार्क्स विदेश में स्वदेश का एहसास क्या बात है हमने ये प्रोडक्ट 2019 में लॉन्च किया है What? ये आप प्रोडक्ट Amazon या अपनी वेबसाइट से भी खरीद सकते हो हमारा विजन है कि बॉटम लाइन हर इंडियन के ट्रैवल किट का हिस्सा बने आवर आस्क इज 35 लाख फॉर 5% ऑफ इक्विटी सो शार्क्स अब रोने का नहीं धोने का टाइम है थैंक यू Namita? I'm just speechless. Welcome to Shark Tank Season 2. I'm just scared to ask you about your journey. Adil, have you heard about flushable wipes? Yes. Foreign mein ye bahut common hai. Yes. Yes. तो ये इतना बड़ा भारी भरकम चीज बनाने के बदले आपने फ्लशेबल वाइप्स के बारे में नहीं सोचा कि दैट्स अ गुड आइडिया सो मैं ये बताना चाहूंगी कि हम इंडियंस हैं वी हैव सर्टेन वी लव टू ट्रैवल बट हमारे थोड़े कंफर्ट जोन में हम रहना चाहेंगे तो जैसे अर्गोनॉमिक्स है हम घर पे अपना जो जेट स्प्रे यूज करते हैं उसमें पानी आता है उसमें प्रेशर आता है दैट्स व्हेन वी गेट आवर सैटिस्फैक्शन तो देखो अब सिंपल सी बात है हम गुजराती है हम जब ट्रैवल करते हैं खाखरा जरूर होगा तो आप इसको खाखरा से कंपेयर कर रहे हैं नहीं ओह माय गॉड देखिए नीड नहीं है कि नहीं एक बात समझते हैं यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात होने वाली है ये सारे शार्क्स जो हैं यहाँ बैठे हुए सारे पैसे वाले हैं तो बहुत घूमते हैं अब्रॉड तो इनको पूछते हैं एक एक करके भाई नमिता जी आप तो 8 साल रह के हैं आप बताइए आई एम नॉट गोना आंसर अमित मेरे केस में ना मेरे को हमेशा प्रॉब्लम रही है और अमन
कि मैं ना पुरानी पानी की बोतल रख लेता हूँ साथ में। और आप पीयूष? यार मैं ज्यादा जापान ट्रैवल करता हूँ, वहां पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो अलग है। किस बात का? वहां पे टॉयलेट सीट जो है वो वार्म होती है और उसमें एक जेट की जगह तीन चार जेट होते हैं हर जगह से आपका जो है। और दो हाथ भी निकल के लेते हैं। बोतल साथ में लेके बैठ फिर कॉपी। आप दोनों का? Well, she's my fiance. Let's get 3 महीने में आपने मंथ मतलब यूनिट का क्या प्राइस है? 2000 MRP है बट हम 1400 पे सेल करते हैं इसको। डिस्काउंट दिखा के। तो कितनी सेल्स की? सो लास्ट मंथ हमारी 2.2 लाख की सेल हुई है। उसके पहले हमारी 11.8 लाख की सेल हुई है इन ऑगस्ट। बैक टू स्कूल, बिकॉज ऑफ बैक टू स्कूल ऑगस्ट। यस एग्जैक्टली। वो सितंबर में यूएस में सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो ऑगस्ट में यहाँ से बच्चे जाते हैं पढ़ने को, तो इसीलिए ऑगस्ट में आपको एक पीक मिलता होगा। अरसों बाद मुझे एक डायलॉग बोलने का मन हो रहा है। इस चीज में मेरी एक्सपर्टीज बिल्कुल नहीं है एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू। फाइनली पूरा एक सीजन के बाद ये सुनने को मिला है। आई थिंक आप थोड़ा सा बड़ा विजन देख सकते हो जिसमें आप ये प्रॉब्लम और दो चार प्रॉब्लम्स लेके थोड़ा सा बड़ा बिजनेस बना सकते हो। जरूरी नहीं है हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ही रेस करना पड़े। अगर आप 2 लाख की सेल कर रहे हैं इसको 20 लाख की करिए, प्रोडक्ट अच्छा बनाइए, आई थिंक प्रोडक्ट पे थोड़ा और फोकस करिए। पर आज ये भी इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा है इसलिए मैं बाहर। गाइज आपने एंटरप्रेन्योरशिप कब शुरू करी? 2019। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ जर्नी, एंजॉय करो। इस जर्नी में मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा, I am out, but keep trying. You will find something or the other. ये product मुझे नहीं लगता चलेगा, because जो vibes वाला solution नमिता मैंने बताया, वो सारी चीजें address करता है except pressure. पर pressure यहाँ भी नहीं। तो मैं out हूँ। Best of luck. आप hopefully कुछ और figure out करेंगे और अपनी branding sensibilities को use करेंगे। देखो अवेयरनेस क्रिएट करने की चीज़ है और इस शो से के जरिए काफ़ी सारे जो लोग हैं, मैं आपका कस्टमर जरूर बनने वाला हूँ इस प्रोडक्ट पे डेफिनेटली, बट इसका स्केल उतना जाएगा नहीं। तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है वो छोटा सा ही है, बहुत साइज का प्रॉब्लम है स्केल का, इसलिए आज मैं बाहर हूँ बट आपका डेफिनेट कस्टमर। थैंक यू सो मच। आपकी एंगेजमेंट कब हुई? दिस ईयर जनवरी। और शादी कब करोगे? End of this year or next year. तो इनकम कहाँ से आ रही? इनकम अभी तक हमारी जर्नी में हमने बताया नहीं है, बट हम हमारा मास्टर्स कर रहे थे। Where? I went to Politecnico di Milano in Milan. और आप? I went to Brunel University London. तो आपकी फैमिली जो कम फ्रॉम वेल ऑफ फैमिली जो फाइनेंस कर रहे हैं जी? देखिए यही बात है, मुझे कहीं लग रहा था कि आप ये सोल्यूशन लेके क्यों बैठे हुए जब ये नहीं चल रहा है, मार्केट दिखा रहा है कि देयर इज नो प्रोडक्ट मार्केट फिट, व्हाई आर यू स्टिल ऑब्सेसिंग ओवर इट? खुद के यूज में आप ले रहे हैं शायद, यू एंजॉय इट, आप ये सोचते हैं कि सारी दुनिया यूज करेगी, बट ऐसा नहीं लग रहा है। यू आर टू कंफर्टेबल, यू आर नॉट इन अ हरी टू गेट समवेयर, तो इस वजह से मैं भी आउट होना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। बाय। शार्क्स, जैसे कि आपको पता होगा इंडियन हाउसहोल्ड में सास और बहू का रिश्ता कितना स्पाइसी है। ये सिचुएशन मेरे भी घर में है। मेरी वाइफ एक चाइल्ड बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट है और मेरी माँ एक स्कूल की प्रिंसिपल। अरे वाह। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मेरा 3.5 साल का बेटा खाएगा क्या।
मेरी माँ चाहती है कि हम उसको ट्रेडिशनल परांठे और सूजी का हलवा खिलाएं। सही है। और मेरी वाइफ चाहती है कि उसको कन्वीनियंट और हेल्दी कॉर्नफ्लेक्स और दूध। इस आर्ग्यूमेंट के बीच में मेरे बेटे को चाहिए कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट्स। हर घर की कहानी है। इक्वल पेरेंटिंग का फर्ज निभाते हुए हम दोनों डैड्स ने इसका एक सलूशन ढूंढा जिससे कि मेरी बीवी भी खुश, मेरी माँ भी खुश और मेरा बेटा सबसे ज्यादा खुश। हम लेकर आए हैं देश विदेश के एथनिक ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि अफ्रीका का टेफ, इंडिया की हल्दी और चिकोरी रूट्स के स्पेशल प्लांट फाइबर्स। इन इंग्रेडिएंट्स को हमने मिलाया है हम सबके फेवरेट चॉकलेट्स में। इस ट्रेडिशनल और मॉडर्न के फ्यूजन से हमने बनाया है लिटिल गुडनेस और इससे हम बन गए हैं सुपर डैड्स। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं दमन चंडीगढ़ से। हाय शार्क्स, मैं हूं हर्ष केरला से। शार्क्स, हमारा आस्क है 1 करोड़ फॉर 1% इन द कंपनी। एक बार मैं आपसे हाथ मिला लूं बिकॉज और इनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। स्कूल में डॉन बॉस्को स्कूल अलकनंदा दिल्ली में सेम क्लास में थे ऑलमोस्ट कितने 6 साल 10 साल सेक्शन में थे। टेंथ में मैं थोड़ा आगे निकल गया। अभी एक छोटा सा ब्लाइंड टेस्टिंग एक्सरसाइज करेंगे। श्योर। ओके। अभी क्या करना है कि दो तरह के चॉकलेट सेकंड ऑप्शन। अगर आप बता सकते हैं कि आपको फर्स्ट वाले में क्या बेटर लगा? फर्स्ट वाली जो थी वो थोड़ी अमूल की आती है ना वैसी वाला टेस्ट था। सेकंड वाली थोड़ी मिल्कियर ज्यादा लगी। क्रीमियर थी सेकंड वाली। थोड़ा सा शुगर ज्यादा लगा हल्का सा। जो फर्स्ट ऑप्शन चॉकलेट हमने दिया था क्या किसी को भी लगा कि उसके अंदर हल्दी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। फर्स्ट ऑप्शन वाज वेरी गुड। आई लाइक द फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारी लिटिल गुडनेस चॉकलेट जिसमें कि 35% लेस शुगर कंटेंट है और उसमें हल्दी है जो कि 10 टाइम मोर एब्जॉर्प्शन पावर रखती है नॉर्मल हल्दी। हल्दी तो इतनी कड़वी होती है कैसे नहीं टेस्ट आया कड़वा। सो इसमें हमने कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट किया है हल्दी से और उसको एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट में डाला है जिससे हमारा चॉकलेट का जो फॉर्मेट है उसमें वो हाइड हो गया है मास्क को। हम लोग चॉकलेट में 100% कोको बटर यूज करते हैं और ब्रांड्स अपने चॉकलेट्स में वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल यूज करते हैं। That is why the difference is there. आपको और प्रोडक्ट्स हम सैंपल देने वाले हैं। इसमें है 23% टेफ और 23% किनोआ, 45% सुपर बेन्स। ये क्या मिल्कशेक है? ये ओट्स मिल्कशेक है और इसमें शुगर भी है क्योंकि काफी स्वीट है। ये वाले प्रोडक्ट में हमारा एज कंपेयर टू कंपटीशन 50% लेस शुगर है। आप बेटर फॉर यू प्रोडक्ट्स बना रहे हो नॉट गुड फॉर यू। जस्ट बिकॉज़ यू बहुत फर्क पड़ता है। आप जो एक चॉकलेट खाते हो उसमें इतनी शुगर है दैट इट इज डिजास्ट्रस राइट। उसमें से अगर आप 35% कम कर दोगे इट स्टिल रिमेंस डिजास्ट्रस। मेरा पॉइंट ये है वैसे भी खाने ही वाले हैं। I agree with this। इसमें भी जैसे माल्टोडेक्सट्रिन एंड ऑल है मतलब काफी डिबेट है कि ये लेना भी चाहिए कि नहीं। अब आप ये हल्दी दूध को नहीं रिप्लेस कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद द बिजनेस। बेटर फॉर यू भी एक कैटेगरी है तो उसको बोल के आप करें कि दिस इज बेटर फॉर यू।
ये बेटर जंक फूड है, ये वो बोल रहे हैं एंड आप अग्री कर रहे हैं ना, मतलब चॉकलेट से बेटर, चॉकलेट से बेटर, बेटर। हेल्दी सेगमेंट को इंडिया में एस्टैब्लिश करने में सिर्फ दो ही जो सबसे बड़े चैलेंजेस है वो ये है कि एक तो इंडियंस बहुत टेस्ट कॉन्शियस है, अगर टेस्ट ही नहीं होगा तो लोग खाएंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड जो इशू है कि इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर आपको मैं दिखाऊंगा जो आपने चॉकलेट टेस्ट किया, कंपैरिजन किया, वो सिर्फ 20 रुपीज प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, वो आराम से प्रोडक्ट पिक। भाई भाई एक सेकंड, 20 रुपीज में ये साइज मिलेगी ना? जी हाँ। लेकिन जी, जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं इसके साथ वो साइज बड़ी होती है 20 रुपए वाली। नहीं तो आप सही क्वांटिटी का कंपैरिजन करके बताएं। सर हम लोग 10 रुपए की कैडबरी के साथ इसको 20 रुपए, तो डबल हो गया प्राइस। आप 20 का 20 बता रहे हैं। जी तो ये 5 साल से चल रहा है का? नहीं नहीं, ये ब्रांड लॉन्च हुआ 2020 मार्च में, लॉकडाउन के 2 दिन पहले, मई 2020 में हम लाइव हुए अमेज़न में। कैटेगरी वाइज आप इन सब की सेल्स बता दो, अलग अलग सेगमेंट। हाँ, की क्या सेल्स? तो अभी हमारे सेल्स है 1.45 करोड़ पर मंथ, मंथली रन रेट, अभी नेट रेवेन्यू, नेट रन रेट, और 3x ग्रोथ हुआ है अराउंड 6 मंथ्स में। इसमें स्प्लिट अगर देखेंगे 60% है चॉकलेट्स, 20% है मिल्कशेक्स, 15% है एक्सट्रूडेड जो पफ्स हैं, और 5% है मिल्क मिक्सेस। और इनमें मार्जिन भी बता दो आप चारों में। जैसे चॉकलेट्स में है हमारा ग्रॉस मार्जिन अराउंड 69%, डेरी ड्रिंक्स में अराउंड 64% है, पफ्स में 70% है, और आपके ड्रिंक मिक्सर्स में अराउंड 59%। 20 रुपए की चॉकलेट में 69% ग्रॉस मार्जिन है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें इतना स्केल अप कर लिया है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम कम कर चुके हैं। ओवरऑल 67% आपका ग्रॉस मार्जिन, 66% एंड व्हाट इज द नेट, मतलब अभी कंपनी का क्या EBITDA है? अभी हम बर्न कर रहे हैं 30 लाख मंथ का हमारा बर्न चल रहा है। एक बार 1.5 करोड़ का ब्रेकअप बता दो, जैसे 1.45 करोड़ का सेल है तो कहां कहां पैसा कितना कितना लग रहा है उसका ब्रेकअप? सो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इंक्लूडिंग डिस्काउंट्स जोड़ते हैं, दैट इज अराउंड 30 लाख लास्ट ईयर। डिस्काउंट निकाल के नेट रेवेन्यू बताते हैं। हां ठीक है, नेट ऑफ डिस्काउंट्स 1.27 है। तो 1.27 हुआ ना आपका रियल रेवेन्यू, आप वो बताओ ना ठीक से। उसमें COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 47 लाख है, 3 लाख है, अराउंड 19 लाख के आसपास का सैलरीज होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मार्जिन्स, कुछ केस में चैनल मार्जिन उसका अराउंड 12 लाख का एक्सपेंस होता है। उसके बाद वन ऑफ कॉस्ट होते हैं, जैसे डिज्नी के या एक ब्रांड एम्बेसडर या इन्फ्लुएंसर एक्टिवेशन के, उसके वन ऑफ कॉस्ट होते हैं अराउंड 20-25 लाख। ये बताओ फंडिंग उठाई है आपने? 5+3+3.5 5+3+3.5 उसके अलावा उसके बाद 11.5 अभी फंडरेज चल रहा है। नहीं एक सेकंड, इसके पहले डाइल्यूशन कितना हो गया? अबाउट 45% 48% डाइल्यूशन। आप दोनों के पास? मेरे पास है 24% क्यों आपके सब में ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप कह रहे हैं एक राउंड रेस कर रहे हैं आप? हाँ जी, हमारे हम साढ़े इसमें अराउंड 12 करोड़ के किस वैल्यूएशन में उठा रहे हो आपको जो पर किया सेम वैल्यूएशन 100 करोड़ आप इस रेवेन्यू पे पैसा उठा रहे हैं 12 करोड़ डाइल्यूशन ज्यादा हो गई है, आपने कई गलतियां करी हैं जिसकी वजह से आप इस अमन एक सिचुएशन था कि कोविड के टाइम पे हमने पैसा उठाया, जो पैसा मिला हमने उठा दिया। हाँ हम ज्यादा निगोशिएट कर सकते थे, वो एक गलती है। और आई मीन उसी का नतीजा आगे निकलता था। एक मैं ट्रेंड देख रही हूँ फूड कंपनीज का ऑन शार्क टैंक इंडिया सीजन 2, बहुत सारे कंपनीज आ रहे हैं जहाँ प्रोडक्ट्स आर फैंटास्टिक, एक हेल्थ एंगल है, रियली फंडामेंटली गुड बिजनेसेस, बट सब में एक पैटर्न दिख रहा है कि वेरी हाई कैश बर्न,
पर मंथ. सेकेंड कि बहुत फाउंडर्स एक्विटी डाइल्यूट हो गया है. थर्ड जो फंड रेज में हम ज्वाइन करने वाले हैं वेरी हाई वैल्यूएशन. तो ये बिजनेसेस यू नो इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा है मुझे. अनरियलिस्टिक लग रहा है वैल्यूएशन गिवन द कैश बर्न. क्योंकि स्केल के लिए आप तो और करते जाएंगे कैश बर्न. एंड फॉर दैट रीजन इवन दो इसमें हेल्थ एंगल है इट्स वेरी टेस्टी आई'd लाइक टू बी आउट. थैंक यू नमिता. आप लोग को ना क्योंकि फंडिंग बहुत जल्दी मिल गई द एटीट्यूड इज नॉट फ्रूगल. तो मेरे को वो कन्विक्शन नहीं आया कि आप लोग उस पर काम हेवली कर रहे हो या आपने कोई इनोवेशन किया. मैं डिजिटल मार्केटिंग की साइड जाने की कोशिश कर रहा था. इन सभी वजह से अभी मैं आज आउट. देखिए ये कैटेगरी बहुत एक्साइटिंग. चॉकलेट्स इन इंडिया इज राइप फॉर डिसरप्शन. यू आर लेटिंग गो ऑफ सच अ गुड अपॉर्चुनिटी. आप अभी भी इस माहौल में पैसे बर्न किए जा रहे हो. यू विल नेवर बी प्रॉफिट द वे यू एग्जीक्यूट. यहाँ लोग आते हैं 10-10 लाख रुपए के लिए. आपको पता है शार्क टैंक पे बिकॉज उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. उनको किसने फंडिंग नहीं दी. उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है. वो मेंटोरशिप चाहते हैं. आपको सब मिला. आप उसे गंवा रहे हैं. एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट. जिस स्टेज पे आप ऑलरेडी हो इन टर्म्स ऑफ आपकी जो ओनरशिप बची है ये राउंड का जो वैल्यूएशन है एंड उसमें एक 1 करोड़ वाले इन्वेस्टर का जितना इम्पैक्ट हो सकता है ऑन डिसीजन मेकिंग तो इन्वेस्टमेंट थीसिस में मेरा ये अभी फिट नहीं होगा. फॉर नाउ मैं आपके साथ इसमें जुड़ नहीं पाऊंगी बट बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू रीना. आप शार्क टैंक पे क्यों आए हो भाई. आपके पास तो 12 करोड़ और आ गए. हमें बेसिकली एक तो ये राउंड कंप्लीट करना था. राउंड 13.5 पे थोड़ी ना कंप्लीट होता है. 12 पे भी जाते हैं. देखिए जितना ज्यादा पैसा मिलेगा अपने को उतना जैसे ब्रांडिंग और फोकस चैनल एफर्ट्स में हमें स्पेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं. ना रॉन्ग. अभी ये जो आप हाथ पैर मार रहे हो ना बिकॉज आप कोर प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर रहे हो. और अगर आज इस डील में मैं इन्वेस्ट करूंगा वो इसलिए करूंगा कि आपको लगे कि हाँ हम में कोई गैप है एंड यू नीड माय हेल्प टू टर्न अराउंड दिस बिजनेस. मैं इस डील से अभी आउट हूं. मैं आपको वैल्यूएशन पे नहीं गेम खेल सकता. मैं आपके लिए एक फ्रेश बिजनेस फ्रेश आइडिया फ्रेश एंटरप्रेन्योर्स की तरह ट्रीट कर सकता था जहां आपको हेल्प चाहिए था. बट नाउ पीयूष इज ऑलरेडी देयर सो यू डोंट नीड मी. आई एम आउट. मुझे लगता है आपका 12-15 करोड़ का रेवेन्यू है. 3 times से ऊपर का मल्टीपल नहीं है मार्केट में अभी. एंड यू नीड हेल्प. मेरा ऑफर है 50 लाख रुपए 1% इक्विटी के लिए 50 लाख रुपए डेट एट 12% इंटरेस्ट रेट. ले ले भाई हेल्प मिल रही है ले ले. 10% इंटरेस्ट पे क्लोज. पीयूष दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल ऑफर. आपको 10% इंटरेस्ट रेट में मान सकता हूं. हां हां मान जा मान. ठीक है ओके. इंटरेस्ट तुम्हारे थोड़ी ना बैठे. चलो डील डील. ओह माय गॉड. ऑलराइट गुड जॉब. ग्रेट मेंटर कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. गुड जॉब. वेरी गुड वेरी गुड. सुपर. अब कंपीट नहीं करना है भाई. मेरे लिए पैसे बनाने हैं. पीयूष आज शार्क एक्सपीरियंस में तेनाली सवाल है एक एंटरप्रेन्योर को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए ग्रोथ का या प्रॉफिटेबिलिटी का और क्यों. मेरे हिसाब से बिजनेस के लिए ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं. जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक यूनिट लेवल पे क्या आप ट्रू वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं. अगर आप ट्रू वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं तो हो ही नहीं सकता कि आप एक यूनिट लेवल पे प्रॉफिटेबल नहीं है. हमारा मार्जिन होता था एक टाइम पे 30-40%. तो इस दौरान हम एज अ कंपनी लेवल फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं थे. पर हमको ये पता 4-5 साल बाद इस यूनिट इकोनॉमिक पे हम एक बहुत बड़ा बिजनेस बना पाएंगे जो हाईली प्रॉफिटेबल होगा. आप ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और यूनिट इकोनॉमिक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बिजनेस.